हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप सब लोग गाइस मेरी तरफ सलाम। और गाइस अभी मॉर्निंग हो चुकी है, अभी फजर के टाइम है और हम दोनों भाई ने वजू कर लिए, अबू चले गए और अभी हम नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं मस्जिद में। तो टाइम होगा 4:30 होंगे और अभी जो ना टाइम वो 20 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट रह गए। मौसम भाई वजू कर रहे हैं और वो भी आ रहे हैं। सो अभी हम चलते हैं गाइस मस्जिद में और फिर मस्जिद के बाद आपसे फिर वॉक पे मिलते हैं। तो नमाज हमने अदा कर ली है, ये अबू जा रहे हैं, ये काशिफ भाई और ये मौसम भाई। सुबह सुबह की 5 हो चुकी और हम तीनों भाई आ चुके हैं सामने वार के लिए। तला देवी उठे और नमाज वगैरह पढ़ के वो भी बस आ रहा होगा, अभी वो भी हमें ज्वाइन करेगा। से बड़ी सआदत की बात है कि हम नमाज अगर पढ़ें जमात में और घर के सामने से, कितनी बड़ी सआदत की बात है। मुझे खिलाओगे? मैं खिलाओगे? बच्चे भी आ चुके हैं गाइस, देखो सुबह सुबह के टाइम। जी सुबह सुबह सामा का एक बच्चे के साथ मैच शुरू हो गया। उसामा को छक्का पड़ने के बाद उसामा ने मैच खत्म कर दिया बच्चों के साथ। वेल डन यार, गुड बैट। सो आज गया संडे था और आज हम काफी दिनों के बाद आ रहे हैं वहाँ के लिए। कितना टाइम हो गया होगा हमें वहाँ के मौसम, कितना टाइम हो गया होगा हमें? काफी टाइम हो गया, साल हो गए ना। खैर मैं तो आता हूँ कभी कभार, मैं ज्यादा 7-8 बजे थी यहाँ। ये आते हैं जब धूप निकल आती है, इस टाइम करनी वैसे इस टाइम चाहिए ना, इस टाइम चाहिए, लेकिन हमारा रात को काम जो होता है वो बात भी ठीक है। सो देखो गाइस लड़के आ गए पीछे खेलने के लिए, कैमरे में आपको नजर आ रहे हैं वो सामने उस साइड पर। सो अभी यहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगी और तला नहीं आया यार, तला नहीं आया अभी तक हम, इसलिए हमें काफ़ी आगे नहीं गए, हम यहाँ तक यहाँ ही करेंगे इधर पीछे, कि हमें पता है तला भी आ जाएगा। सो यार ये बहुत एक अच्छी बात है, अगर हम अपने दिन का आगाज़ करें ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से। घर में नहीं, मेरी भी पहले आदत थी नमाज पढ़ता था घर में, और अभी है आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने काफ़ी टाइम के बाद सब ने इकट्ठी नमाज पढ़ी मस्जिद में, काफ़ी टाइम बाद, बहुत टाइम बाद। तो सच इंसान को बोलना चाहिए हमेशा। तो ये सीना कि यार देखो नमाज में अगर पढ़े ना, नमाज के साथ अगर हम अपने दिन का आगाज़ करें तो अल्लाह ताला की बरकतें ना हमारे साथ शामिल हो जाती हैं। और मेरा ये इरादा है कि मैं आइंदा जो जितने मेरे ब्लॉग्स हैं गए उनका आगाज़ अभी मैक्सिमम ब्लॉग्स का आगाज़ मस्जिद से ही करता हूँ। सो उससे ना एक हमारा ईमान ताज़ा होता है। आप कोई भी ब्लॉग देखते हो ना, तो ब्लॉग देने से अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आप भी इसके बाद स्टार्ट कर दो नमाज पढ़ना तो सबसे अच्छी बात है। अब आप लोग बहुत से व्लॉग्स देखते हो गाइस, उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एंटरटेनमेंट होती है, इससे भी आपको एंटरटेनमेंट ही होती है। लेकिन अगर मैं व्लॉग का आगाज़ मस्जिद से करूं और नमाज पढ़ने से करूं तो इससे होगा कि शायद आप में से कोई भी मेरा भाई पढ़ने लग जाए नमाज, जिस तरह मैं पहले नहीं पढ़ता था पढ़ने लग पढ़ूँ, इस तरह आप लोग में से कोई अगर नहीं पढ़ता वो भी पढ़ने लग पड़ेगा, तो कितनी अच्छी बात होगी। मेरा बस यही इरादा है। सो देखो गाइस सूरज निकल चुके हैं, सो अभी हम चलते हैं गाइस घर, और आज संडे सब फ्री हैं, कोई काम काज आज नहीं है फालतू, दिन के टाइम उठेंगे तो कोई काम निकलेंगे। सो अभी नाश्ता करते हैं सब इकट्ठे, क्या ख्याल है जी? नाश्ता अभी बैस से लाते हैं, ऐसे करिए कि नाश्ता फिर नाश्ता बैस से ले, हाँ बैस से ले आते हैं आज, फिर नाश्ता सब फैमिली वाले इकट्ठे इंजॉय करते हैं। आज नाश्ता करेंगे, करेंगे नाश्ता, आज नाश्ता करेंगे, सही है जी। आज संडे है, छुट्टी नहीं है। आज काशिफ भाई इतने खुश क्यों हैं? आज खुश क्यों हूँ? आज काशिफ भाई ने ससुराल जाना है।
देखो कैमरा भी ये ट्रैपोर्ट से उलट हो गया सर। सो ये जगह भी यार काफ़ी अच्छी होगी। अब वहाँ से मैं यहाँ आना हो ना, देखो दरम्यान में नाला है ना, ये आप देखो ये वाला ये नाला है ना सर सामने। तो अभी यहाँ से क्या हो सकता है, बाइक तो हम लेके आ सकते थे ना, तो जब बारिश आती है ना तो यहाँ पे बाइक गाड़ी हम नहीं ला सकते। अभी हमने देखा जगह कितनी फिट होगी। अभी हम गाड़ी यहाँ से आगे जाना ना, हमने गाँव की तरफ या कोई काम भी हो रोड की तरफ, वो रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रास्ता भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरामैन फोकस। कौन आ रहा है? चांद आ रहा है। चांद आ रहा है। चांद चांद पा के आओ। ओ चांद पा के आ रहा है जी। लो जी चांद भी आ गया। चांद भी उठ के आ गया। चांद वालेकुम सलाम। क्यों नहीं उठे मास्क के लिए सुबह? यार रात उठा लेट सुबह था इसलिए। इसका एक लेट सुबह था तकरीबन 10:15 बजे सुबह। चार बजे कब हो रही है छुट्टियाँ? चलिए कर एक और चक्कर लगाइए यार। क्या चलते छुट्टियाँ कब हो रही है तला? तकरीबन ये नहीं अभी पता, लेकिन शायद 8 तारीख से या 10 तारीख हो गए एकदम से छुट्टियाँ हो जाएंगी शायद। अल्लाह करे हो जाए यार, हो जाए अल्लाह करे, फिर बड़ा मजा आएगा, फिर हमें बहुत सी जगह में जाया करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं जी घर, नीचे आ जाओगे। मेरे दिल का वाह करने का, मैं आता जाऊँ आप चले जाओ। आए किस टाइम हो फिर? आए किस टाइम हो तो सबर कर जाऊंगा। नख दे सुबह सुबह हैं एटीट्यूड हैं ये देखना। नहीं तुम कह रहे हो क्वेटा होटल जाना है, मैं कह रहा हूँ पिशावर होटल जाना है। पिशावर होटल चलोगे? क्वेटा होटल नेक्स्ट जब तुम्हें छुट्टी होगी उधर जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है चलो गाइस अभी अंदर चलते हैं और अभी मिलाते हैं नाश्ता और फिर नाश्ते के लिए फिर रोड पे चल कर आपसे मिलते हैं। और ये देखो गाइस सुबह सुबह लोग आ गए, लड़के अभी खेलने के लिए आ रहे हैं। सो अभी हम चल रहे हैं नाश्ता लेने के लिए, आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि सब इकट्ठे होंगे। ओके जी अल्लाह हाफिज़। अभी सही लड़के आए थे खेलने के लिए उस साइड में जहाँ से वॉक करके आए थे ना, वो तो बहुत अभी इस टाइम लास्ट आपको दिखाऊँगा वापस आके ना नाश्ता करके, मैं आपको दिखाऊँगा उस टाइम तकरीबन हो जाएंगे 5:30 हो रहे हैं उस टाइम तक मिल जाएंगे। 7:30 में आपको दिखाऊंगा सही दर्श बना। ये अभी आप देख रहे हो एक और बाइक आ रहा है, एक बाइक में ना 3-4 लड़के आ रहे थे। सो ये नाश्ता आ गए गाइस, और मैंने दोपहर से नान लाए थे और नान इसमें पड़े हैं, ये नान पड़े हैं और अबू का पराठा बन चुका है और बाकी सब का भी पराठा बन रहा है, अभी वेट हो रहा है। वेट हो रहा है। तला साहब भी आ चुके हैं। A few moments later. अभी 8:15 हो चुके हैं और ये भी आप देख रहे हो। तो चलो यार अभी चलते हैं तला को गाड़ी ड्राइव कराते हैं। तला फिर क्या रहा है? तला वो आज ड्राइव करवाने लगे हैं। आज तो ऐसे ही गाड़ी सीखूंगा। तला कह रहा है मैं कैसे सीखूंगा? हवा यार सही चल रही है इस टाइम। और ये देखो लड़के अभी आ रहे हैं खेल के वापस, अभी आप देख सकते गाइस सूर्य निकल चुके हैं काफी, और अभी हवा तेज चल रही है सही मजे की हवा। चलो यार चलते हैं। आज देखते हैं तला कैसे गाड़ी सीखते हैं।
अभी एंड तक जाते हैं गैस, उधर एंड तक बिल्कुल। पहला अभी मेरे देखो, पहला ये मैंने लगाया गियर पहला, ठीक है, और ये देख लो मेरे पाँव में क्लच है, ठीक है, ये क्लच पकड़ के मैंने गियर लगाया, ये मेरे इस पाँव में ब्रेक है और एक रेस है, ठीक है। अब मैं हल्की हल्की स्पीड को रखूंगा और हल्का हल्का ऐसे क्लच छोड़ूंगा, ठीक है, समझ गया। एकदम रेस एकदम दो और क्लच भी एकदम छोड़ो, फिर क्या होगा? झटका मारेगी गाड़ी, झटका मार के बंद, ठीक है, तुम देख जाओ मैं पाँव के साथ में क्या करता हूँ। ऐसा ऐसा क्लच छोड़े ना, ऐसा स्पीड दे रहे हैं, ठीक है, छोड़ देना, फिर रेस भी। जब आप चल पड़ी ना गाड़ी, आप क्लच छोड़ देना। देखो फिर हल्के हल्के ऐसे ब्रेक लगा, फिर ऐसे क्लच को पकड़ लेना, जब ब्रेक मारनी है पहले क्लच, अब ये देखो क्लच पकड़ के फिर ब्रेक मारनी है पहले, अब ये देखो पहले दूर दूर से गियर लगाना, क्लच को पकड़, फिर क्लच छोड़ दिया, फिर लगा दिया, फिर क्लच छोड़ दिया, आप जैसे यहाँ पे ऐसे उसको लगा दो, ब्रेक लगा पहले, ब्रेक बनी है क्लच, पहले ब्रेक लगा फिर क्लच, कौन सा गियर है? रिवर्स गियर थी, मुझे थोड़ा बहुत मालूम। तो अभी हम गैस आ चुके हैं एंड पे, और अभी जो तलक को थोड़ी बहुत गाड़ी सिखाई है ना, जो बेसिक इसको बताया है चीज, वो अब देखते हैं कैसे करते हैं, अभी इसकी ड्राइव टेस्ट लेते हैं, अभी देखना गैस गाड़ी स्टार्ट करने लगा है जवान, या अल्लाह खैर। जब आप सीख रहे होते हैं ना गाड़ी या बाइक, उस टाइम बहुत सी होती है, जब आप प्रैक्टिकल आते हैं ना फिर थोड़ा सा होता है। जब मैंने भी पहली दफ़ा बाइक लाया था ना, तो मुझसे भी एकदम गिर गया था, देखते तला कैसी गाड़ी स्टार्ट करते गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, वो बिल्कुल सामने हमारा कार है, और ये भी आप देख रहे हो गाइस, यहाँ भी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ हो रही है, यहाँ भी मकान बन रहे हैं, देखो ये बना है, ये साथ बन रहे हैं, और वो सामने लड़के खेल रहे हैं उस साइड पे, और यहाँ से गैस जो हमारे एरिया में पानी बहुत खुला है ना, तो यहाँ से जो पानी पार के ना, जो पिछली साइड है ना, जो कैद अजम कलोनी है और वो जो मुख्तलिफ एरिए ना, वहाँ पानी जाता है, यहाँ से भरते हैं और वहाँ ही टैंकर पैसों के हिसाब से बिकते हैं, मतलब एक इस टैंकर के रेट अभी होगा 3,000-2,500 इस तरह। तला का प्रोग्राम हट गया, गाड़ी स्टार्ट होती है प्रॉब्लम बढ़ गया। चल बैठ पीछे, बैठ पीछे, चल तला खैर है, चलो खैर है तला, अभी पता चल गया नहीं चीजों का, जब पूछे थे तला कहता हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल ये हाँ ये यस यस, जब प्रैक्टिकल मारी ये कहते नहीं रहा अभी नहीं, अभी नहीं रहा, अभी मैं 12 साल का ना ऐसा ना होता ना, अब देख लेना नजर क्यों चुरा रहा है। 3 hours later, और ये काशी भाई के गाइस कुछ डॉक्यूमेंट्स थे कॉपी करने, और ये देखो गाइस इतनी गर्मी में खान साहब ले आए ठंडा जूस, क्या ला, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये लो काशी भाई,
6 hours later. तो भी गए शाम के 6:15 हो रहे और मैं सो गया था बहुत तकरीबन 2-3 घंटे सोया हूँ मैं, 3 बजे सो गया था और अभी जाकर ये अबू भी गए थे जगाते रहे, जगाया नहीं आपने मुझे? यारा मैंने आपको जगाया, आप उठे नहीं हो। तो अभी उठे जी, आज सर में बहुत दर्द है क्योंकि आज सुबह नहीं सोए थे ना, सुबह जब वापस आए थे उसके बाद फिर मैं तकरीबन 3 बजे तक जाकर नमाज पढ़ी थी और अभी जूस बंद है मैंगो जूस, अभी पीते हैं और जल्दी नहाते नहा कर फिर फ्रेश होते हैं और नमाज पढ़ते। सो भी गाइस रात के टाइम है और ये अब देखो छोटी सी पार्टी है, समोसे बने याद देख रहे गाइस, और साथ ये नमक पारे बने थे, ये मेन तो बने नाश्ते के लिए, अभी थोड़े से ट्राई करेंगे। और ये मेरा सबसे फेवरेट क्या कहते हैं ब्रेड का हलवा है, ये सबसे अच्छा लगता है। सो भी इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आज संडे है तो आज काम नहीं करना, ये देखो लैपटॉप बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है क्लोज है। सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया जरूर इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।